Hello students, so today we will study lesson 3, our learning temple. Our learning temple, यानी कि कहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं? स्कूल में. और मुझे पता है आप लोग बहुत मिस कर रहे होंगे अपने स्कूल को, है ना? So this is a poem about a school. Okay? So in heart and soul. हार्ट मीन्स दिल और सोल मीन्स अंतर आत्मा, यानी कि डीप फीलिंग जो होती है हमारे मन से आती है, उसके लिए सोल वर्ड यूज़ किया गया है. सो इन हार्ट एंड सोल आवर टीचर सीट विथ ड्यू रिस्पेक्ट वी ऑलवेज मीट. यानी कि पूरे दिल से और अपनी अंतर आत्मा से हम टीचर्स के लिए विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब कि उनकी बहुत ज़्यादा हम एडमायर करते हैं उन्हें, या रिस्पेक्ट देना मीन्स आदर देना. विथ ड्यू रिस्पेक्ट वी ऑलवेज मीट, हम हमेशा उस तरीके से अपनी टीचर्स से मिलते हैं जिसमें हम उनको बहुत आदरपूर्वक दिल से अंतरात्मा से टीचर को हम उनका आदर करते हुए हम हमेशा मिलते हैं. द स्कूल इज आर लर्निंग टेम्पल. स्कूल जो है वो हमारा क्या है? लर्निंग टेम्पल, यानी कि पढ़ाई का मंदिर है एक, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है. तो वो भी एक मंदिर होता है, ठीक है? देयर द नॉलेज इज लाइक अ कैंडल. वहाँ पे जो हमें नॉलेज मिलती है वो एक कैंडल जैसी है. कैंडल से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि कैंडल जो होती है वो चारों तरफ क्या रोशनी फैलाती है. और हमें अगर नॉलेज मिलेगी, या किसी को भी अगर हम अगर नॉलेज देते हैं, तो वो किसी रोशनी से कम नहीं होती. दैट्स व्हाई हियर द पोएट इज कंपेयरिंग नॉलेज विथ कैंडल. ओके, क्योंकि कैंडल क्या करता है? रोशनी देता है. वैसे ही नॉलेज भी हमें रोशनी देता है, दिशा देता है, हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है. दैट्स व्हाई हियर पोएट इज कंपेयर नॉलेज विद कैंडल. सो दिस इज़ अ लिटिल पोयम ऑफ द ऑफ लिटिल पोयम रिलेटेड टू द स्कूल वेयर यू यूज टू गो एवरी डे एंड लर्निंग न्यू थिंग्स. So read this poem again and again and learn by heart. Thank you.